आज हम आघोड़ों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लिख भी रखा है आघोड़ों के अनुप्रयोग। इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में आघोड़ों के निम्न अनुप्रयोग है, और ये अनुप्रयोग है लीवर, तुलादंड, धरण तथा पहिए, लीवर सुरक्षा वाल्व। अब सबसे पहली पॉइंट आती है, इसमें हम जानेंगे लीवर के बारे में, यानी उत्तोलक। आप जो है उत्तोलक के बारे में सीखेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर उत्तोलक हम बताएं तो आपने हैंड पाइप तो देखा ही होगा। हैंड पाइप में आपने जो हैंड पाइप का हैंडल है तो वह हैंडल बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे ये इधर जो है आपका लगा होता है, ये हैंड पाइप का हैंडल है, ऐसे ऐसे सब जुड़ा रहता है पॉइंट, ठीक। तो यहां पर इधर अंदर जो है वाशर लगा होता है, यहां पे जो है एक बोल्ट लगा होता है। हम क्या करते हैं, अगर हैंड पाइप का हैंडल की बात करें तो यह हैंडल इस बोल्ट के सहारे घूमता है, यानी बोल्ट पे घूमेगा। तो जिस बोल्ट पे घूमता है इसको हमने मान लिया कि आलंब। अच्छा, जहां पर हम हाथ द्वारा बल आरोपित करते हैं, हम जो है हाथ द्वारा इस पे बल आरोपित करते हैं, इसको हम नाम देंगे प्रयास। और जो ये उठता है वाशर, इसको हम नाम देंगे भार। अतः हैंड पाइप का जो हैंडल है वह एक तरह का लीवर है। लीवर की परिभाषा क्या है, तो लीवर की परिभाषा में पॉइंट हमने लिख रखा है, लीवर एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। कोई स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और आपने हैंड पाइप का हैंडल देख ही लिया है, यानी लीवर एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के, इसको हमने लिख रखा है लीवर एक सीधी अथवा मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और यहां पर हमने अभी हैंडल बनाया, तो देख रहे हैं ना ये बोल्ट के सहारे ये घूमता है, तो हैंड पाइप का हैंडल। अच्छा भाई, दूसरी बात, यह एक सरल मशीन है, तो ये सरल मशीन है और इसका जो है पॉइंट आती है, जिसका हम दैनिक जीवन में प्रायः उपयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में जैसे रोजमर्रे के जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं, इसमें कम बल लगा करके ज्यादा भार उठाया जा सकता है। बल हम कम लगाएंगे और भार ज्यादा उठाएंगे। जैसे अभी कभी कभी देखते हैं हम लोग को ईंट निकालना होता है, लोहे का रड लगाते हैं और यूं दबा करके निकाल देते हैं, या कील निकालना होता है तो कील निकालने वाली जो हथौड़ी होती है
उस पर हम कम बल लगाते हैं और कील को निकाल लेते हैं। ऐसे निकालने में बहुत ज़्यादा बल लगेगा और उस सरल मशीन के जरिए निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, इसमें तीन मुख्य पॉइंट आएंगे। एक होगा क्या, पहला पॉइंट होगा आलंब, दूसरा होगा प्रयास और तीसरा होगा भार। आलंब, आयास या प्रयास और तीसरा भार होता है। अभी हमने जैसे हैंडल की बात किया तो जब हमारा हैंड पाइप का हैंडल हम चलाते हैं तो यह बोल्ट के सहारे यूं घूमता है स्वतंत्रता पर, स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, तो यह आलंब या सपोर्ट कहलाएगा। अच्छा, यह हमारा प्रयास होगा, प्रयास इफोर्ट, हमारा प्रयास जो है हमने लगाया, जो हैंडल पे हम हाथों द्वारा बल लगाते हैं, जो बल आरोपित करते हैं वो प्रयास हो जाएगा, और जो उठाया जाता है भार उसको हम भार कहते हैं। तो तीन मुख्य भाग इसमें होते हैं, यानी पहला आलंब लिख भी रखा है हमने, जिस बिंदु के चारों ओर लीवर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वह बिंदु आलंब कहलाता है, जिसके परतः वह घूमेगा वो आलंब होगा। दूसरी पॉइंट आती है प्रयास, लीवर द्वारा भारी बोझ को उठाने के लिए आरोपित बल प्रयास कहलाता है, जो हमने हैंडल पर बल लगाया वो प्रयास हो गया। और तीसरी पॉइंट भार, लीवर द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है वो भार कहलाता है। आप जो है अगर चिमटा ही ले लें तो चिमटे में भी क्या करते हैं, बीच में जो दबाते हैं यानी जो बल आरोपित करते हैं वह प्रयास कहलाएगा, और जो किनारे पर रोटी को उठाते हैं वहां वो भार कहलाएगा, और जहां पर पॉइंट यूं मुड़ी रहेगी यानी अगर चिमटा यूं है तो यहां पर हमने किसी चीज को उठाया ये भार हो गया, और बीच में हम दबाते हैं तो दबाते हैं या प्रयास होगा, प्रयास। ठीक है, और ये हमारा जो भाग है आलंब, ये आलंब है, सपोर्ट है। तो हमारी पॉइंट आ जाएगी, आलंब हो गया, प्रयास हो गया, और ये जो भाग हम उठाते हैं, आलंब यहां पर किनारे पर है, भार किनारे पर है, प्रयास बीच में है, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो मेन पॉइंट आपने क्या जाना, सरल मशीन अब क्या होती है, क्योंकि यहां पर आया कि लीवर एक सरल मशीन है, तो सरल मशीन जानने से पहले आप पहले जान लीजिए कि मशीन क्या होता है। आपने पढ़ा है मशीन के बारे में, मशीन क्या होती भाई, मशीन एक ऐसा यंत्र या युक्ति है जो कम प्रयास लगाकर किसी कार्य को आसान, तेज तथा अच्छे ढंग से कर सकती है, यानी प्रयास कम, बल कम लगाना पड़े और अच्छा तथा तेज कार्य प्राप्त हो, तो आसान कर दे, जिस कार्य को आसान कर देती है वो मशीन कहलाती है। ठीक है, जिस काम को हम ऐसे करेंगे मैनुअली तो बहुत मेहनत लगेगी, उसको मशीन आसानी से कर देती है। अब बताती है कि सरल मशीन क्या होती है, तो याद रहे सरल मशीन हमने लिख रखा है, सरल मशीन क्या होती है, सरल मशीन, किसी सरल मशीन में एक प्रयास लगाने वाली बिंदु, एक ही भार उठाने
वाला बिंदु होगा, एक प्रयास लगाने वाली बिंदु होगी और एक ही भार उठाने वाली बिंदु होगी। यहां पर प्रयास हम लगाते हैं, एक ही बिंदु होगी और एक भार उठाने वाली होगी, तो सरल मशीन कहलाएगी। सरल मशीन में लीवर आ जाता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, तो लीवर भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल लीवर, बैल क्रैंक लीवर और यौगिक लीवर। लेकिन हमें पढ़ना है सरल लीवर के बारे में। तीन लीवर है, सरल लीवर, बैल क्रैंक लीवर और यौगिक लीवर। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कौन सा? सरल लीवर। सरल लीवर वह होता है जिसमें एक आलंब, एक भार भुजा तथा एक प्रयास भुजा हो। सरल लीवर कौन सा होगा? जिसमें एक आलंब हो, एक भार भुजा हो और एक प्रयास भुजा हो। अब पॉइंट आते हैं कि हम समझें इसको, ये भार भुजा क्या है, प्रयास भुजा क्या है, आलंब क्या है। तो इस चित्र से समझेंगे, यहां पर जगह कम है इसलिए हम यहीं पे बना दे रहे हैं आपको। ये अगर मान लीजिए एक छड़ है, ये छड़ ले लिया, इस छड़ पे इधर हम प्रयास अगर लगाएंगे P, प्रयास को P से डिनोट करेंगे। एक छड़ ले लिया और छड़ पे इधर प्रयास लगाएंगे, यहां पर हमारा अगर भार होगा W, छड़ का नाम दे देते हैं। छड़ का नाम मान लीजिए कि A B C, ये छड़ है, ए बी सी छड़ है। अब यह प्रयास यहां पर लग रहा है, यह भार है। तो अगर हम आइए, जो आपको बीच में दिख रहा है इसको हम बना दे रहे हैं कि ये क्या है, आलंब है, जिसके यह स्थिर बिंदु जिसके परतः स्वतंत्रता पूर्वक लीवर घूम सकता है। तो यह आलंब, अभी आलंब हो गया जिसके चारों तरफ लीवर घूम सकता है। अब याद रहे, कुछ भी नहीं, पॉइंट समझनी है, आलंब से ही दूरी सभी नापी जाएगी। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, हम इस चित्र में ए बिंदु से प्रयास, जहां पर ए बिंदु है वहां पर प्रयास हम लगा रहे हैं और जहां सी बिंदु है वहां हम भार लगा रहे हैं, यानी भार है, सी बिंदु पर भार है, ए बिंदु पर प्रयास है और बी पर आलंब है। अब हम जितने भी चित्र बनाएंगे उसमें एक चीज नोट रखना है कि कहां रहेगा, इसी चित्र से अगर आगे भी हम चित्र बनाएंगे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग की बात करेंगे, तो हर हालत में ए बिंदु पर प्रयास होगा और सी बिंदु पर भार होगा और बी पर ही आलंब होगा। कुल मिला के दिमाग में रट जाइए कि ए पर प्रयास रहेगा, बी पर आलंब होगा और सी पर भार होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए पॉइंट। अब जो है, लिखे चाहे ना लिखे, प्रयास को हम ए बिंदु पर मानेंगे और बी बिंदु पर आलंब मानेंगे, सी बिंदु पर भार मानेंगे। अब जो है बात आती है प्रयास भुजा क्या होगी, तो आलंब से दूरी नापिए, जिसके परतः घूमता है आलंब है और यहीं से दूरी लीजिए। तो हम दूरी ले रहे हैं, आलंब से दूरी जो लिया, आलंब से प्रयास तक की दूरी, आलंब से और यह प्रयास तक की दूरी, इसी को हम ए नाम दे दिए, ये प्रयास भुजा कहलाएगी, प्रयास भुजा।
ये हमारी प्रयास भुजा कहलाएगी। यानी आलंब से और प्रयास तक की जो दूरी है, ये लंबवत दूरी होती है, यह हमारा जो है प्रयास भुजा कहलाएगी। और आलंब से भार तक की जो लंबवत दूरी है, आलंब से कहां तक, भार तक की, आरंभ से भार तक की जो दूरी है या स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, इसको हम नाम देंगे भार भुजा। तो एक प्रयास भुजा होगी और एक भार भुजा होगी, दिमाग में रखना। एक का नाम अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे ए बी, एक को कहेंगे बी सी, यानी आलंब से ये बी सी हो गई, इसको हम भार भुजा कहेंगे, और जो ए बी हो गई वो हमारा प्रयास भुजा कहलाएगी। अब ए बी को हम स्मॉल ए से डिनोट कर दे रहे हैं और बी सी को स्मॉल बी से, अतः प्रयास भुजा को स्मॉल ए से लिखेंगे और भार भुजा को स्मॉल बी से लिखेंगे। अब पॉइंट आती है कि हमने जान लिया प्रयास भुजा के बारे में, भार भुजा के बारे में, आलंब के बारे में। अब इस आधार पर सरल लीवर की पॉइंट को समझें। सरल लीवर को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, ये पॉइंट है सरल लीवर को वर्गीकृत करने का। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ग का ये चित्र हमने बना रखा है। प्रथम वर्ग में अगर मान लीजिए कि है ए बी सी छड़ है, ए बी सी, कैपिटल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी छड़ है, तो जो बीच में है यह लिखा गया है आलंब, इधर हमारा है प्रयास पी, प्रयास को पी से डिनोट करेंगे, और सी बिंदु पर भार है डब्ल्यू। हमने आपको पहले भी बताया था कि ए से प्रयास, सी से भार और बी पर हमेशा आलंब रख रहे हैं हम, ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। तो प्रयास हो गया, भार हो गया, आलंब हो गया। प्रथम वर्ग का जो होगा लीवर या उत्तोलक, तो जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा उसमें आलंब बीच में होगा, और प्रयास और भार ये दोनों किनारे पर है। तो रट जाए कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो होगा वो बीच में होगा। तराजू, कैंची, इसके एग्जाम्पल है। तराजू में भी देखते ही है, दोनों ओर पलड़ा होता है, एक ओर बाट चढ़ाते हैं, प्रयास लगाते हैं, एक और जो है भार उठाते हैं, और बीच में हमारा जो है जिसके परतह वो छड़ घूमती है, तो आलंब बीच में होता है, जिसके परतह तराजू घूमती है तो आलंब बीच में होगा। और एक तरफ प्रयास लगाएंगे और एक तरफ क्या करेंगे, भार को उठाएंगे। दूसरी पॉइंट आती है, इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए, यहां पर जो आलंब से और प्रयास तक की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी, इसको हम क्या कहेंगे, प्रयास भुजा। अभी हम समझाए भी थे प्रयास भुजा। और आलंब से भार तक की जो दूरी होगी इसका क्या नाम होगा, भार भुजा, भार भुजा। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। अब आ जाइए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। ये द्वितीय वर्ग में ध्यान दीजिएगा, देखा है सरौता, सुपारी काटने वाला सरौता, उसमें जो आलंब होता है
वो जो है एक किनारे होता है और एक तरफ प्रयास होता है, भार बीच में होता है। तो आलंब सरौता जब हम बनाएंगे, अगर मान ली सरौता हम बना रहे हैं ऐसे, या नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है, नींबू जो है देखते होंगे ये नींबू की जो है मशीन होती है, ऐसे जो है बना रहता है ऐसे, ये किनारे पर जो है ये ऐसे, तो ये नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है इस बीच में ऐसे नींबू रखते हैं, ठीक है, ये किनारे पर होता है आलंब, ये आलंब होता है जहां जिसके सारे मुड़ता है, और ये जो है नींबू जहां पर रखा जाता है क्या है, भार है। आ यहां पर जो ये दबाते हैं यह हमारा क्या है, प्रयास है, प्रयास पी है ना। तो नींबू निचोड़ने की मशीन या सरौता जिससे हम सुपारी काटते हैं, तो भार जो है इसमें दिमाग में रहे कि उसमें पहले वाले में आलंब बीच में था, इसमें भार बीच में है, देख रहे हैं ना, यहां पर आलंब किनारे पर है, भार हमारा बीच में है और प्रयास किनारे पर है। तो रटने के लिए याद रखें, प्रथम वाले में आलंब बीच में होगा, दूसरे वाले में भार बीच में होगा। देखिए सी बिंदु से यहां पर भार लटका हुआ है, ए बिंदु पर प्रयास है जैसा पहले चित्र में था, और बी बिंदु पर आलंब है। तो आलंब यह हो गया, भार बीच में हो गया और प्रयास किनारे पर हम लगाते हैं। तो द्वितीय वर्ग वाले में इसके एग्जाम्पल है सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन। अब इसमें भी प्रयास भुजा और भार भुजा की बात करें तो देखिए आलंब से ये आलंब है बी, बी बिंदु पर आलंब लगा है, हर चित्र में हमने बी बिंदु पर ही आलंब बनाया है, सी पर भार और ए पर प्रयास दिखाया है। तो आलंब से और भार तक की जो लंबवत दूरी है इसको ही हम क्या कहेंगे, भार भुजा, यानी बी भार भुजा। और जो ये ऊपर देख रहे हैं आलंब से ही ली जाएगी दूरी, तो आलंब से प्रयास तक की दूरी जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रयास भुजा, ठीक है, या प्रयास भुजा हो गई। इसे स्मॉल ए से हम डिनोट किए हैं और भार भुजा को स्मॉल बी से डिनोट किए हैं। अब आगे चलते हैं तृतीय वर्ग के लीवर यानी उत्तोलक। तो तृतीय वर्ग वाले में ध्यान दीजिएगा, अब तृतीय वर्ग में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चिमटा, सबके घर होगा। रोटी पकाने के लिए जब हम रोटी को तवे से उठाते हैं तो चिमटे का प्रयोग करते हैं। तो चिमटा जो देखा होगा ऐसे होता है चिमटा, ये चिमटा होता ही हूं, ठीक। तो चिमटा में इधर कोई भार हम उठा रहे हैं, कोई भी कोयला ही उठा रहे हैं, या हमारा जो है भार हो गया भार, और यह जो दबाते हैं बीच में तो यह हमारा क्या है, प्रयास, प्रयास यानी पी प्रयास, और यहां पर है हमारा आलंब, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा प्रयास बीच में आ जाता है, देख रहे हैं यहां पर प्रयास, प्रयास बीच में है, आलंब किनारे पर है और भार किनारे पर है, ठीक है। चिंता को हमने ऐसे बना रखा है, अगर हम ऐसे भी बना दें उल्टे साइड से तो आपका जो है ये एग्जाम्पल जो चित्र होगा ढंग से समझ में आ जाएगी। यह हमारा जो है बना दीजिए चिमटे को ऐसे ही बना दीजिए यूं ऐसे, ये कोयला हमारा है। तो देख रहे हैं ना ये भार W,
तो ये हमारा भार, ठीक है, ये भार हो गया। और बीच में हम जो दबा रहे हैं यही प्रयास लगाते हैं यहां पर बल, ये प्रयास पी, और यह हमारा जो है आलंब, ये आलंब है। अतः तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरे वाले, तीसरे वर्ग में प्रयास पी बीच में होता है और इधर भार होता है और इधर क्या होता है, आलंब होता है, ठीक है, जो कि हम चित्र में समझा चुके हैं इसको। तो इस चीज को मेन यही समझना है, सरल लीवर में वर्गीकृत करते समय ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ग का जब रहेगा जिसके एग्जाम्पल में तराजू कैंची है, इसमें आलंब बीच में होगा और भार और प्रयास किनारे पे होगा। अब किधरों कोई लगा दीजिए तो प्रयास और भार किनारे पे होगा, आलंब बीच में होगा, याद रखिएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में जो है हमारा भार बीच में होगा, तो पहले में आलंब बीच में हुआ, दूसरे वाले में द्वितीय वर्ग में भार बीच में होगा, जैसे कि नींबू हमने दबाया था निचोड़ने वाली मशीन में, भार बीच में हो गया था, आलंब किनारे पर हो गया, प्रयास किनारे पर हो। और तीसरे वाले में, तृतीय वर्ग वाले में, जैसे चिमटा है, किसान का हल है, तो इसमें जो है हमारा जो बीच में आएगा प्रयास। तो पहले वाले में आलंब बीच में, दूसरे वाले में भार बीच में, और तीसरे वाले में प्रयास, ठीक है। आगे हम सरल लीवर का डेरिवेशन करेंगे, यांत्रिक लाभ निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।